वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज जरा एक और आईटीजेई और नीट या किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड बहुत द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। आप जानते हैं बिगुल बज चुका है, आईटीजेई मेंस और नीट के एग्जाम्स की डेट घोषित हो चुकी है और हमें पता है दैट वी हैव गॉट नियरली 2 months ऑफ टाइम। लगभग 2 महीने हैं हमारे पास जब हमें एग्जाम देना होगा, पहले आईटीजेई मेंस का, यहां से ऑब्वियसली आप जानते हैं एडवांस की तरफ हम मूव करेंगे, आईटीजेई एडवांस की तरफ, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद मेडिकल के लिए नीट का एग्जाम। अब इस COVID-19 की कंडीशन में हालांकि इस बिगुल को फाइनल तो नहीं माना जा सकता, लेकिन इसके इंतजार में हम बैठ भी नहीं सकते। फाइनल अगर मान के हम इसे चलें और किसी रीजन से अगर डेट आगे एक्सटेंड भी हो जाती है तो एटलीस्ट हम बेटर प्रिपरेशन की कंडीशन में होंगे। तो बच्चों, आज मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने अभी बताया है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे ही हमारे एग्जाम्स की डेट्स फाइनल होती है, हर एक बच्चे के दिमाग में एक पॉइंट, एक क्वेश्चन हमेशा ही दिमाग में आ जाता है कि किस तरीके से मैं अपने एंटायर सिलेबस का रिवीजन करूं, क्या मेरी रिवीजन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। 2 महीने का नियरली हमारे पास टाइम है और हमें ऐसी विनिंग रिवीजन स्ट्रेटजी बनानी है जिससे हम मेहनत करके फाइनली अपने टारगेट को अचीव कर सके। देखिए, ट्रेडिशनली तो रिवीजन का एक तरीका होता है जो कोई भी है, किसी भी क्लास में है, किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहा है या किसी भी कंपटीशन को फेस कर रहा है या उसको उसके एग्जाम को देने जा रहा है, तो देयर इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ रिवीजन हमेशा ही कि हम जो है जो भी हमारे नोट्स हैं या डिफरेंट बुक्स हैं उससे शुरू से पढ़ना शुरू कर देते हैं और एक एक चीज को ध्यान से पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। लेकिन जब खासकर आईटीजेई और नीट जैसे एग्जाम को अगर हमें फाइनली कंपीट करना है तो होता क्या है कि जैसे जो बच्चे 10th के बाद एडमिशन ले लेते हैं, पूरे 2 साल हमारे साथ प्रिपरेशन करते हैं 11th एंड 12th में, और कुछ बच्चे 12th के बाद एडमिशन लेते हैं जिसे हम कई बार रिपीटर बैच भी कहते हैं, कुछ जगह पर टारगेट बैच बोला जाता है। जो बच्चे हमारे साथ नियरली 1 साल कहते हैं, वो हमारे पास 8-9 महीने का टाइम होता है उसको प्रिपरेशन कराने के लिए। तो ऐसा कह देते हैं कि जो बच्चे 2 साल की प्रिपरेशन करते हैं या जो बच्चे 1 साल की प्रिपरेशन करते हैं, तो होता क्या है कि पूरे साल के दौरान, हालांकि क्लास में मैं लगातार बोलता रहता हूं कि भाई रेगुलर रिवीजन इज नेसेसरी, हम कितना भी आगे पढ़ते चले जाएं और साथ के साथ हम बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर को याद भी करते जा रहे हैं, प्रैक्टिस भी करते जा रहे हैं, उसके रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस भी करते चले जा रहे हैं, क्लास में अच्छा डिस्कशन हो रहा है, क्लास के बाद भी डिस्कशन हो रहा है, लेकिन चीजों को लंबे टाइम तक याद रखना आसान काम नहीं है। तो रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरा मानना है किसी भी कंपटीशन में फाइनल सिलेक्शन में 50% रोल रिवीजन का है, 50% रोल, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो होता क्या है कि इस टेन्योर के दौरान जो 2 साल की प्रिपरेशन वाले बच्चे हैं या जो 1 साल की प्रिपरेशन वाले बच्चे हैं,
वो अपना रिवीजन करते हैं। लेकिन अक्सर मेरे जो टू डेकेड्स का एक्सपीरियंस है उससे मैं हमेशा ये फील करता हूं कि ये रिवीजन बहुत इफेक्टिव नहीं होता, क्लास में कई दफे समझाने के बावजूद कि भाई रिवीजन का 50% रोल है। जैसे एक ट्रेडिशनल तरीका है कि हर फोर्टनाइटली जब टेस्ट होगा तो बच्चे पिछला रिवाइज करते हैं, उस टेस्ट में जो कुछ भी आने वाला हो। दो तरीके के टेस्ट हम लेते हैं, आपको पता है, एक कंप्लीट सिलेबस का, एक पार्ट्स का टेस्ट चलता रहता है रेगुलर बेसिस पे, तो बच्चे उस दौरान रिवीजन करते हैं। एक आपको पता है कि हम डीपीपीस के थ्रू रिवीजन करवाते हैं, जैसे जैसे हम जो पढ़ाते जा रहे होते हैं वो तो रेगुलर शीट्स के थ्रू चल रहा होता है, लेकिन साथ में हम डीपीपीस भी डिलीवर करते हैं जिससे कि आपका पिछला जो कुछ भी है सिलेबस वो रिवाइज होता है। लेकिन स्टिल मैं फील करता हूं कि ये अभी भी उतना इफेक्टिव वर्क नहीं है। मैं क्लास में हालांकि ये बात लगातार कहता रहता हूं कि भाई हर दूसरे तीसरे दिन या हर अल्टरनेट डे, देखिए तैयारी के कई सारे पैरामीटर्स हैं, कई सारे अच्छे पॉइंट्स हैं, अच्छी फैकल्टी, फैकल्टी की एक्सप्लेनिंग पावर, क्योंकि खुद पढ़ना अलग चीज है और दूसरे को समझा देना दूसरी बात है, बेहतरीन स्टडी मटेरियल, फैकल्टी की जो रिक्वायर्ड उसको डिलीवर करना है वहां तक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वहां तक की लेवल या उससे दो तीन स्टेप्स ऊपर तक की लेवल की उसको नॉलेज होनी चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कंपटीशन। लेकिन जैसा मैंने बोला कि 50% रोल फाइनली रिवीजन का है, क्योंकि लास्ट डे 2 घंटे या 3 घंटे में सब कुछ डिसाइड हो जाना है। पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या जो भी कंसर्न्स सब्जेक्ट्स हैं वो पूरे यहां पर होना चाहिए, पूरा इस जगह, और 2 या 3 घंटे जितने भी टाइम ड्यूरेशन का एग्जाम है उस दौरान वो पूरी चीज, पूरा पूरा जो सिलेबस है वो अगर यहां पर नहीं है तो हम फाइनली उस एग्जाम को पास नहीं कर सकते। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि नॉर्मली होता क्या है, जो मैंने बताया कि हम डीपीपीस के थ्रू रिवाइज करवा देते हैं या टेस्ट के दौरान बच्चा रिवाइज करता है, मैं तब भी कहता रहता हूं कि ये सफिशिएंट नहीं है। हर दूसरे तीसरे दिन रिवाइज करिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और है अपार्ट फ्रॉम द, मैंने जो 3-4 फैक्टर पीछे बताए, एंड दैट इज टाइम मैनेजमेंट, द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। खैर, ये सारे फैक्टर्स के साथ जिस पे मैं एम्फसाइज कर रहा हूं 50% जो रोल है वो रिवीजन का है, मैं ये हमेशा सजेस्ट करता हूं क्लास में कि आप पर डे या ऑल्टरनेट डे या मैक्सिमम 2 दिन में कुछ ऐसा शेड्यूल, कुछ ऐसा टाइम अपने रेगुलर प्रिपरेशन में लेकर आए जहां पर आप डिफरेंट टॉपिक्स का रेगुलर रिवीजन कर सके। और उसका एक बहुत इफेक्टिव तरीका होता है, मैं बताता हूं, मेक शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसका तरीका भी मैं क्लास में बताता हूं, जिससे एटलीस्ट आपके पास एक जगह पर तीनों चारों जो भी कंसर्न्ड आपके सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो, वो एक रजिस्टर या एक आपकी डायरी में आ जाए, एक कॉपी में आ जाए, जिन्हें आप रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करते हैं। और अगर बेसिक्स पॉइंट्स की ब्रशिंग रेगुलर बेसिस पर अगर होती रहती है तो माय डियर, ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि एक जो बहुत बड़ा मिथ है हमारे दिमाग में, जिसको मैं कई दफे क्लास में भी बोलता हूं कि 100% सारा कवर होना चाहिए, भाई आईआईटी जेई की अगर मैं बात करूं तो अभी तक के इतिहास में जो भी 50-1 साल का इतिहास है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, जब से आईआईटी एंट्रेंस स्टार्ट हुआ है,
मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई सूरमा पैदा नहीं हुआ जो आईटी के पेपर को 100% कर आया हो। इसका अगर कंक्लूजन आप दूसरे तरीके से निकालें, अगर किसी को आईआईटी जेई का सिलेबस 100% समझ में आ गया होता और उसने 100% कवर कर लिया होता तो वो आईआईटी के एग्जाम को 100% कर आता, लेकिन ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ। इसका मतलब ना तो 100% कवर किया जा सकता है जो अभी तक की कंडीशंस है, ना 100% उसको पकड़ा जा सकता है, 100% आप उसको समझ पाएंगे। तो फिर इफेक्टिव तरीका क्या है? इफेक्टिव तरीका यह है कि लगातार जो मैंने 4-5 फैक्टर्स बताए थे उन फैक्टर्स के साथ में लगातार प्रिपरेशन करते रहे। गुड फैकल्टी, फैकल्टीज के पास दो पैरामीटर, गुड एक्सप्लेनिंग पावर और एट द सेम टाइम उसकी नॉलेज जिस लेवल को वो पढ़ा रहा है उससे एट पार होनी चाहिए, उससे थोड़ी सी ऊपर हो ज्यादा बेटर है। गुड स्टडी मटेरियल, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एंड टेस्टिंग। तो ये सारी की सारी चीजें अगर आपकी इफेक्टिवली चलती रहती हैं तो एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। तो अल्टीमेटली लगातार अगर हम कोशिश करते रहेंगे लगातार बिना इस बात की चिंता किए, जरूरी नहीं है प्रिपरेशन के दौरान हर चीज हमारी समझ में आएगी, हर चीज हम कवर ही कर पाएंगे, लेकिन अगर हम लगातार कोशिश करते रहे विद 100% एफर्ट्स। आई यूज टू से दिन में 7-8 घंटे की पढ़ाई, 11th अगर 2 साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 11th में 6-7 घंटे की पढ़ाई अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग जो हम पढ़ा रहे हैं, और 12th में नियरली 7-8 आवर्स की स्टडी। तो इतना सफिशिएंट है कि जिससे आप पूरे का पूरा सिलेबस आईटी जेई या नीट के लिए कवर कर सकते हैं। अब इसमें जो मैं बात स्पेशली इम्फसाइज करने जा रहा था उस पॉइंट पर चलते हैं डिस्कशन। ऐसे तो बहुत सारी चीजें मैं बच्चों को इफेक्टिवली करने के लिए टाइम मैनेजमेंट पर पूरा मैं लेक्चर देता हूं कि किस तरीके से टाइम को मैनेज करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कैसे पढ़ना चाहिए। बहरहाल अब मैं फिलहाल जो नीड ऑफ आर है उस पर आ रहा हूं कि रिवीजन कैसे किया जाए। अब होता क्या है कि पूरे 2 साल इतनी मेहनत करने के बाद हम रिवीजन पर उतना ध्यान नहीं देते, जैसा कि मैं बता रहा था रेगुलर रिवीजन विद शॉर्ट नोट्स। एक रजिस्टर ऐसा होना चाहिए जिसमें सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स, और अगर बेसिक समय आते हैं तो बड़े मजे से हम बाकी चीजें भी कर लेते हैं। जो मैं असली बात कहने जा रहा था कि आईआईटी जेई या नीट का जो कंपटीशन है, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, इसमें 50-60-70% तक ऐसी चीजें आएंगी जो बहुत कठिन नहीं होती। अगर आपने, हाँ ये अलग बात है कि उसको 12th सिंपली 12th की प्रिपरेशन करने वाला सिंपली एनसीईआरटी पढ़ने वाला नहीं कर सकता, वो जो मैं बहुत कठिन नहीं की बात कर रहा हूं, दैट 50-60%। हाँ एनसीईआरटी या सिंपली 12th की प्रिपरेशन किए हुए है तो 2-4-5% जरूर पेपर को कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। जिसने अच्छी प्रिपरेशन की है, ठीक ठाक प्रिपरेशन की है, अच्छी भी मैं हटा रहा हूं ठीक ठाक, तो वो ये इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकता है। एंड माइंड यू जनरल कैटेगरी में 35% कट ऑफ जाती है आईटी जेई के लिए, 35-40 के आसपास नियरली। इट मींस अगर हम अपने आप अपने अंदर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाकर रखें तो फाइनली हम इतना कराएंगे विच मैटर्स। व्हाट आई एम सेइंग, इतना कराएंगे विच मैटर्स, यानी लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए लगातार, बिना इस बात के सोचे कि कौन सी चीज मैं भूल रहा हूं, ये आ रही है नहीं आ रही है। फाइनली मैंने आपसे कह दिया, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिया है मैंने कि 100% कवर करना आसान नहीं है,
अगर कोई कर लेता तो शायद ऐसा कोई सूरमा पैदा हो जाता जो आईटी के पेपर को 100% कर आता। नहीं हुआ। तो लगातार अगर हम कोशिश करते रहे, लगातार हम मेहनत करते रहे, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं हमेशा क्लास में कहता हूं, किसी की ऐसी तैसी करनी हो तो उसका कॉन्फिडेंस उससे ले लीजिए। जो उसको आता होगा, जिसके लिए वो कैपेबल होगा, वो उतना भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और ये हर जगह के लिए ट्रू है, हर जगह के लिए सही है। तो अल्टीमेटली जो फाइनली अगर शॉर्ट नोट्स हम बनाते जाते हैं और रेगुलर बेसिस पर उनके थ्रू रिवीजन करते रहते हैं, तो बेसिक चीजें हमारी हमेशा कवर रहती हैं। फाइनली हम इतना कर आते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। आप जब पेपर मेरे पास लेकर आते हैं, मैं कई दफे कह चुका हूं, मैं दिखा दूंगा कि देखिए इसमें 50-60% क्वेश्चंस आप कर सकते थे बड़ी आसानी से, जबकि आपको पढ़ाया तो 100% या इससे ऊपर के लिए गया था। मैं तो गारंटी लेता हूं कि मैं अपने पार्ट में गारंटी ले रहा हूं, पेपर मेरे सामने ले आना और अपने हाथ से लिखी हुई कॉपी ले आना, मैं तुम्हें 100% आईटी का पेपर वहीं से दिखा दूंगा। और ये तुम जानते हो। तो अल्टीमेटली कॉन्फिडेंस के साथ एक्ट करना है। हमने पूरे 2 साल या 1 साल, चाहे वो 2 साल का बैच था या रिपीटर बैच था, हमने पूरे इन टेन्योर के दौरान एक अच्छी मेहनत करी, तो फाइनली हम इतना कर सकते हैं विच मैटर्स। और कितना मैटर्स वो कट ऑफ में बता चुका हूं। इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस के साथ एक्ट करना। जो ऑफ कोर्स आईआईटी जेई की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, 25-30% ऐसा होता है जो रैंक डिसाइडिंग पेपर होता है, और उसमें कई बार 10% तो बहुत बेहतरीन सवाल आते हैं, बहुत बेहतरीन। तो मैं मानता हूं, बट फाइनली कट ऑफ कितनी है ये देखिए ना। प्रॉब्लम क्या आती है, हमारा जब रिवीजन ढंग से नहीं होता तो हम जितना कर सकते हैं उतना फाइनली पेपर में नहीं कर पाते, और डिमोरलाइजेशन हमारे ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है जैसा कि जैसा जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगता है। और मैंने अभी बोला कि सबसे खतरनाक चीज किसी भी इंसान के लिए डिमोरलाइजेशन है। जो वो कर सकता है वो भी परफॉर्म नहीं कर पाता। चलिए अब मैं आपको एक बहुत टेस्टेड रिवीजन सीरीज, रिवीजन स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं, जो मैंने पिछले अपने 2 डेकेड्स के आईआईटी जेई और नीट के टीचिंग के दौरान फील की, और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, और कई बार मैं क्लास में बोलता भी हूं जब सिलेबसेस एंड होने शुरू हो जाते हैं। हो सकता है कुछ ने सुनी भी हो लेकिन शायद भूल गए हो, और अब बहुत स्ट्रांगली हमें इसको याद कराने की जरूरत है, बिकॉज नाउ वी हैव गॉट नियरली 2 मंथ्स फॉर दिस प्रिपरेशन। आप जानते हैं इस स्ट्रेटजी को मैं नाम देता हूं द रैंडम रिवीजन। द रैंडम रिवीजन, द रैंडम रिवीजन, ये नाम मैंने ही इस स्ट्रेटजी के लिए बनाया है, कॉइन किया है। इसमें आपको करना क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। प्रॉब्लम क्या होती है, 2 मिनट और मैं इस पर आने से पहले, अगर मैं ट्रेडिशनल रिवीजन के रास्ते पर चलता हूं, देखिए क्या होता है, मैक्सिमम जो कुछ बहुत अच्छे बच्चे होते हैं वो ट्रेडिशनल रिवीजन, जैसा कि मैंने बताया था, ट्रेडिशनल रिवीजन की शुरू से उठाया, पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के इतने इतने मोटे पोथे बन गए हैं, 3 रजिस्टर केमिस्ट्री के हैं, 3 रजिस्टर फिजिक्स के हैं, 3 मैथ्स के हैं, क्या जूलॉजी बॉटनी के आपके 3 रजिस्टर हैं। अब मैंने शुरू से उठा के पढ़ना शुरू किया, जो कुछ एक बहुत ही अच्छे बच्चे हैं,
वो रेगुलर बेसिस पर शुरू से पढ़ रहे हैं और शायद वो मेहनत करके उसे कवर कर ले, परेशानी उन्हें भी आएगी। मैं इसका एक बहुत ऑल्टरनेट तरीका बता रहा हूं, द रैंडम रिवीजन। रैंडम रिवीजन में मैं क्या सजेस्ट करता हूं कि आप अपनी सारी की सारी शीट्स एक जगह पर इकट्ठी कर लें। मान लीजिए 10-15-20 शीट्स आपकी केमिस्ट्री की थी, 10-15-20 शीट्स फिजिक्स की थी और इतनी मैथ्स की थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और भी हो सकता है, या आपने सब एक जगह रख ली। अब आपको करना क्या है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है हमारी जो एक्सरसाइज वन है वो मीडियम लेवल की एक्सरसाइज होती है, जिसमें हमने जिस टॉपिक से रिलेटेड उस चैप्टर में सारे टॉपिक्स जो भी हमने पढ़ाए होते हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन उस एक्सरसाइज वन के अंदर होते हैं, मीडियम लेवल। तो अब आपको करना क्या है कि आपको सारों की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड फॉर दैट पर्पस बायो, या कोई भी बच्चा जो कोचिंग नहीं किए हुए या किसी किताब से रेफर कर रहा है, तो एक हर चैप्टर के बाद एक सिंपल एक्सरसाइज है जो कि पूरे चैप्टर के बेसिक्स को ब्रश अप करती है, जैसे हमारी एक्सरसाइज वन है। अगर आप हमारी एक्सरसाइज वन कर लेते हैं तो उस चैप्टर में जितने भी टॉपिक होंगे, जितने भी, वो सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, पूरे दिन आपको टाइम निकालना है। अब आप खाली हैं, COVID-19 की सिचुएशन चल रही है, 7 घंटे की नींद लीजिए, मैक्सिमम 8 घंटे की ले लीजिए, रात में 6 घंटे, दिन में 2 घंटे, इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए, या इसमें कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं। ये सब एक टाइम मैनेजमेंट का हिस्सा है, मैं डिटेल में क्लास में बताता हूं। अब अगर आप ये देखें तो वी हैव गॉट 14-15 आवर्स फॉर द स्टडी। इसमें अगर आप 12-13 घंटे की पढ़ाई भी अगर आप बहुत इफेक्टिवली कर लें, इफेक्टिवली, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। करना क्या है, 2-2 घंटे के स्लॉट ले लीजिए, सारे रजिस्टर सामने रख लीजिए, सारे शीट्स सामने रख लीजिए, सारी जो हमारी शीट्स हैं, हर चैप्टर में से एक्सरसाइज वन को टारगेट करना है, हर चैप्टर में से 2-2 क्वेश्चन उठाइए, हर सब्जेक्ट में से एक शीट निकालिए एक्सरसाइज वन के। मान लीजिए फिजिक्स आपने उठाई, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, रख दी, फिर केमिस्ट्री उठाई, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, फिर मैथ्स उठाई, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। इस तरीके से सबसे पहले अपने दिमाग को यह मैसेज देना है कि मुझे सब रिवीजन मेरा अच्छा है और मुझे सब आता है। हालांकि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यह तुम्हें अपने आप पे विश्वास कराना है। ध्यान से सुन लेना, स्ट्रेटजी विनिंग स्ट्रेटजी है। तुम्हें करना क्या है कि 2-2 क्वेश्चन तुम्हें उठाने और अपने दिमाग को यह मैसेज देना, यस मुझे सब कुछ आता है। मैं इस बात का एविडेंस भी देता हूं कि अगर हम कोई चीज रोज सुनते रहें तो टाइम पीरियड के साथ वो हमें याद हो जाती है। याद करिए, मैं अपना एग्जांपल लेकर आपको एक स्टोरी बताता हूं क्लास के अंदर। मैं 1 मिनट के लिए मान लूं कि आपने घर पे कुछ नहीं पढ़ा, तो रोज 6-7 घंटे आप इंस्टीट्यूट में तो बैठे थे, रोज साइंस ही इस कान से निकल के इस कान से निकली ही थी ना, रोज 6-7 घंटे तुमने खुद कुछ नहीं किया लेकिन हमने तो तुम्हें पढ़ाया ना, पूरे 2 साल या 1 साल, तो साइंस यहां से निकली तो है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो है। मैंने बताया, अगर हम कोई चीज रेगुलरली सुनते रहें, सिर्फ सुनते रहें, और कुछ दिनों बाद हम देखें तो वो ऑटोमेटिकली हमें याद होनी शुरू हो जाती है। और यहां तो वैसे भी बबल भरना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, 4 ऑप्शंस होंगे हमारे सामने, तो इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस के साथ एक्ट करना। तो पहले मैंने कॉन्फिडेंस के साथ एक्ट ये किया कि यस मुझे सब आता है। अब मैंने क्या किया, 2-2 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से करना शुरू किए,
मान लीजिए 20 क्वेश्चन मैंने कर लिए या 18 क्वेश्चन कर लिए, 6 फिजिक्स में से, 6 केमिस्ट्री, 6 मैथ्स में से, 18 में से मान लीजिए मुझे 15 क्वेश्चन नहीं आए, बड़ी वर्स्ट सिचुएशन में बता रहा हूं, और 3 मुझे आ गए, इससे मुझे क्या लगा कि 3 वो जो क्वेश्चन मुझे आ गए उसकी रिवीजन की मुझे जरूरत नहीं है। तो मुझे क्या करना है, वो जो 15 क्वेश्चन नहीं आए उनकी, उनसे रिलेटेड थ्योरी मुझे जो भी रजिस्टर या कॉपी में है उन रजिस्टर को उठाना है, उससे रिलेटेड थ्योरी को तेजी से पढ़ना है, पूरी कहानी को डिटेल में नहीं जाना है, उतना सा पॉइंट ढूंढना है जिससे हमारा वो क्वेश्चन हो जाए। ध्यान से सुन लीजिएगा, अब उस पॉइंट को अपने दिमाग को मैसेज देना है कि वह ऐसा करने पे ऐसा होता है, होता है, होता है, होता है, और फिर मैसेज देना मुझे याद हो गया, चेक नहीं करना है कि याद हुआ है कि नहीं, बस मैसेज, और एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी उठानी है और उस पर वो लिख देना है कि ऐसा करने पर ऐसा होता है, दैट्स ऑल। ट्रेडिशनली क्या होता है ज्यादातर बच्चों के साथ कि मैंने, अब पोथे बन चुके हैं, इतने पोथे फिजिक्स, इतने केमिस्ट्री, इतने मैथ्स, मैंने एक उठाया रजिस्टर, अब क्लास में तो शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई गई थी और आईटीजेई लेवल पर डिस्कस करने के लिए पूरी उसकी जन्म कुंडली भी खोली गई थी और उसके आगे भी, आगे पीछे भी डिस्कशन हुआ था, कई सारे बच्चों ने उसके आगे वो एक्सपेक्ट भी करते। अब उसने रजिस्टर उठाया, देखा, पढ़ना शुरू किया बच्चे ने, अल्टीमेटली बहुत टाइम से रिवीजन किया नहीं तो चीजें समझ में नहीं आ रही, और दूसरा टाइम निकलता जा रहा है। अल्टीमेटली हुआ क्या कि पूरा दिन निकल गया और एक चैप्टर भी किसी एक सब्जेक्ट का ढंग से रिवाइज नहीं हो पाया। अब यहां से डिमोरलाइजेशन आना शुरू हो गया। अल्टीमेटली उस बच्चे ने ऐसी कोशिश 2-4 दिन और करी, सेम कंडीशन, और मैंने बोला जैसे जैसे डिमोरलाइजेशन आना शुरू हो जाता है वैसे वैसे हम अपनी एबिलिटीज पे शक करना शुरू कर देते हैं और जो चीजें हम कर सकते हैं वो भी नहीं करना, वो कंडीशन भी आनी शुरू हो जाती है कि हम उन्हें भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, उन क्वेश्चंस को भी नहीं कर पा रहे होते। अल्टीमेटली स्टूडेंट क्या करता है आप देखते जाइएगा, जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे वो मैं उनकी पहले से ही बताई दे रहा हूं कि वो क्या करेंगे, फिर वो शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू करते हैं, अलग अलग छोटी छोटी गाइड्स उठाते हैं, कभी कुछ उठाते हैं, वो सोचते हैं कि ये जल्दी से खत्म हो जाए, कोई शॉर्ट ट्रिक्स शायद गाइड्स के अंदर दी हो। अब कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स उस गाइड में दिए हुए हैं, वो भी पूरे नहीं दिए हुए, वो भी कंप्लीटली जिस तरह इफेक्ट करने चाहिए उस तरीके से भी नहीं दिए हुए। उसने तेजी से पढ़ा, ना ढंग से उसे याद किया, इवन याद भी ढंग से नहीं किया, क्योंकि डबल बैलेंस गड़बड़ा रहा है कि यार मेरे दिमाग में, मुझे कॉन्सेप्चुअली मैं स्ट्रांग नहीं हूं, कॉन्सेप्चुअली अगर वो ज्यादा जा रहा है तो समझ में नहीं आ रहा, तो याद भी कई बार ढंग से नहीं कर पाता, और फिर जल्दी से जंप करने की कोशिश करते हैं हम क्वेश्चंस पे। कंडीशन फिर वही होती है कि हमें 75-80% क्वेश्चन नहीं आ पाते, फिर हमने टाइम वेस्ट किया। इस तरीके से हम कई सारे शॉर्ट तरीके ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, कभी आईटी के क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ दिनों में वही आता है। फाइनली जब हमसे कुछ नहीं हो रहा होता तो हम टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, खाम खाई सामने रख के घर वालों को दिखाने के लिए कि यस हम पढ़ रहे हैं, तो जो रिवीजन का टाइम होता है, क्योंकि पोथों में क्या कहानी थी वो समझ में आ नहीं रही है, या उसमें बहुत लंबा टाइम लग रहा है, चलो लंबा टाइम भी लग जाए, बीच बीच में बहुत से जो है वो स्टेप्स मिसिंग समझ में आ रहे हैं, हम उसे पकड़ नहीं पा रहे। फाइनली जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगता है डिमोरलाइजेशन हाई लेवल पर पहुंच जाता है, और अल्टीमेटली उसने प्रिपरेशन पूरे 2 साल या 1 साल की होती है, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में घुस रहे हैं
उस वक्त यहाँ क्या चल रहा है ये अब डिसाइड करेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तुम कितनी मोटिवेटिंग कंडीशन में हो या कितने डीमोटिवेटेड हो एग्जैक्टली एग्जामिनेशन सेंटर में घुसने से पहले, यहाँ पे क्या चल रहा है। चलिए मैं अपनी जो रिविजन स्ट्रेटजी है उस पर वापस आता हूँ। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि मान लीजिए आपने 18 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जिसमें 15 नहीं आए मान लेता हूं और 3 क्वेश्चंस मुझको आ गए। अब वो जो 3 क्वेश्चन मुझे आ गए हैं इसका मतलब है कि उन तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो मेरे अच्छी तरीके से रिवाइज है और मेरे माइंड में है, यानी कि उन्हें मुझे कोई खास रिवीजन की जरूरत नहीं है। अब जो 15 क्वेश्चन मुझे नहीं आए उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे तेजी से अपना रजिस्टर या कॉपी खोलनी है जहां पर भी मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, वहां से मुझे उसकी पूरी जन्म कुंडली पूरे डिटेल प्रपत्रों पे नहीं जाना है, उसमें से मुझे वो पॉइंट ढूंढना है जिससे वो क्वेश्चन हो जाता है, अपने दिमाग को मैसेज देना है कि साहब ये पॉइंट ऐसा है और ऐसे ऐसे करने पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने अपने दिमाग को मैसेज दिया कि ऐसे ऐसे करने पर ऐसा हो जाता है, 4 दफे रिवाइज किया, अपने मन में मैंने फील किया कि हां जी मुझे ये याद हो गया, चेक नहीं करूंगा, और उसको मैंने उठा के अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लिया। इस तरीके से क्या होगा, वो पॉइंट एक अच्छा पॉइंट है, मेजर पॉइंट है, वो शॉर्ट नोट के अंदर, शॉर्ट नोट की कॉपी मैंने बना ली, उसको नोट कर लिया। इस तरीके से क्या होगा, मैं ऐसे 18 18 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता रहूंगा पूरे दिन में, मान लीजिए मैंने 150 200 या जैसी भी कैपेसिटी है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक्सरसाइज 1 में से जो जो क्वेश्चन मैं करता जा रहा हूं और अटेम्प्ट करता जा रहा हूं उसको मैं एक पेन से निशान लगाता जा रहा हूं, जो जो मुझे मेरे दिमाग में रिवीजन था, जो पॉइंट मैं भूला नहीं था, वो क्वेश्चन मुझसे होते जा रहे हैं, यानी कि उसके लिए मुझे कोई रिवीजन की नीड कोई खास नहीं है। जो नहीं हो रहे थे उनके मेजर पॉइंट को पकड़ के मुझे बहुत डिटेल में नहीं जाना है, मैं कह चुका हूं 50-70% क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो अच्छा पॉइंट होगा डिटेल में नहीं होगा, तो अगर उसका मेजर पॉइंट ही आपको पता है तो आप बड़े मजे से उस क्वेश्चन को कराएंगे। जो मैंने कहा है जो टफ पार्ट रहता है दैट इज 25-30% नियरली, और मैं कह चुका हूं जो कट ऑफ है वो 35-40 के आसपास रहती है, तो अगर आपको उस थ्योरी के मेजर पॉइंट्स का आइडिया है तो आपके सिलेक्शन के बहुत ब्राइट चांसेस हैं, बहुत एक्सट्रीमली ब्राइट चांसेस हैं। मैंने तेजी से क्या किया, एक्सरसाइज 1 में से मैं दो 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 सवाल करता जा रहा था, अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड कि मान लीजिए 10-15 दिन के अंदर मैंने 12-15-20 दिन के अंदर मैंने सारी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की एक्सरसाइज 1 कर ली। अब ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से इस पूरे लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ रहा है, मैंने 12-15 जैसी कैपेसिटी थी बच्चे की 20 दिन के अंदर सारों की एक्सरसाइज 1 कर ली, बिना टाइम वेस्ट किए तेजी के साथ क्वेश्चंस किए, क्योंकि मैं निशान लगाता चला गया तो मुझे पता चल गया कि ये क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर चुका हूं, ये बचे रह गए, उन सभी को मैं अटेम्प्ट करता गया द रैंडम रिवीजन। उससे फाइनली क्या हुआ कि मेरे को जो आते थे वो तो मुझे पता चल गया कि ये मेरे दिमाग में ऐसे पॉइंट्स हैं जो पूरे टेन्योर के दौरान मैं 2 साल पढ़ाऊँ या 1 साल पढ़ाऊँ ये मेरे दिमाग में रहते हैं और इनकी मुझे डिटेल्स में जाने की नीड नहीं है। जो मुझे नहीं आते थे उनके सारे मेजर पॉइंट शॉर्ट नोट्स के तौर पर मेरे एक रजिस्टर में आ चुके हैं, तीनों या चारों सब्जेक्ट जो भी इन्वॉल्व है, ऑब्वियसली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फॉर IIT JEE एंड फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो
फॉर नीट, ये सारे के सारे मेरे एक जगह पर आ चुके हैं। अब जैसे जैसे मैं रोज शॉर्ट नोट्स बनाता जा रहा हूं, रोज रात में मैं उन्हें रिवाइज कर लेता हूं, सुबह उठ के एक बार रिवाइज कर लेता हूं। मैं बता चुका हूं कि अगर हम चीजों को लगातार देखते रहें और एक एक दो दो बार रिवाइज करते रहें तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो हमें याद होनी शुरू हो जाती है। और मैं कह चुका हूं फाइनली चार ऑप्शंस होंगे हमारे सामने। अब 15-20 दिन बाद क्या हुआ कि सभी टॉपिक्स में, तीनों सब्जेक्ट में, चारों सब्जेक्ट में एक्सरसाइज वन मेरी कंप्लीट हो गई। और जब मेरी एक्सरसाइज वन कंप्लीट हो गई, इसका मतलब सारे टॉपिक्स, मैंने बोला एक्सरसाइज वन के अंदर क्या है, उस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब मेरा कंप्लीट रिवीजन हो चुका है और जो पॉइंट्स मैं भूलता था वो सारे पॉइंट्स शॉर्ट नोट्स के तौर पर एक छोटे से रजिस्टर में आ चुके हैं, जिन्हें रोज रात को और सुबह उठ के या दोपहर में, दिन में तीन दफे मैं एक एक बार रिवाइज कर रहा था। अब इसका फायदा क्या हुआ कि पूरा सॉलिड रिवीजन आपका हो चुका है और उन्हें भी आप जो शॉर्ट नोट्स थे उन्हें रेगुलरली आप देख रहे थे। तो आफ्टर 20 डेज, एक तो मैंने घंटों के हिसाब से थ्योरी में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, मतलब ऑफ कोर्स दैट इज द इन्वेस्टमेंट, बट अभी मैंने शुरू में उतना स्ट्रांग रिवीजन नहीं किया था तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती थी कि मैं थ्योरी में बहुत टाइम इन्वेस्ट करता, जबकि पूरी थ्योरी से सवाल नहीं आना है, उसके मेजर पॉइंट पे सवाल आना है, 70% जो सवाल की बात कर रहा हूं। अब फाइनली व्हाट हैपेंड कि वो शॉर्ट नोट्स के अंदर मेजर बातें आ चुकी हैं जिनसे सवाल होने हैं, मैक्सिमम सवाल, उन्हें मैं रेगुलर रिवाइज कर ही रहा हूं। और सबसे ब्यूटीफुल बात क्या हुई कि सिंपली थ्योरी पढ़ने की बजाय मैंने रिवीजन प्रॉब्लम्स के थ्रू किया, क्योंकि आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं थ्योरी एक पार्ट होता है लेकिन वो थ्योरी प्रॉब्लम्स में कैसे लगेगी, उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, ये भी समझना बहुत नेसेसरी होता है और ये दूसरा मामला है। तो मैंने क्या किया, प्रॉब्लम्स के थ्रू रिवीजन किया। इसका मतलब मैंने प्रॉब्लम्स का एक और अपनी ओर बना लिया और मैं बहुत बेटर पोजीशन में हूं कि वो थ्योरी प्रॉब्लम्स के फॉर्म में कैसे पूछी जाती है। और 12-15-20 दिन के अंदर मेरा सारा पार्ट रिवाइज हो चुका है। अब मैं क्या करूं, अब मैं फिर अपने आप को एक 10 दिन का टाइम दूं या एक हफ्ते का टाइम दूं और रिगरस मेहनत करके फिर से एक्सरसाइज वन ही करूं। अब क्या होगा, चूंकि 20 दिन के अंदर मैंने वो शॉर्ट नोट्स के तौर पर वो सारे पॉइंट रिवाइज कर रखे हैं, तो अब क्या होगा कि आपसे एक्सरसाइज वन 80-90% बहुत तेजी के साथ हो जाएगी। और जब एक्सरसाइज वन 80-90% हो गई, इसका मतलब आपका सारे सिलेबस के सारे जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं उन सभी की ब्रशिंग हो चुकी है और वो शॉर्ट नोट्स के तौर पर एक डायरी में भी आ चुके हैं जिन्हें आप रेगुलरली दिन में 2-3 दफे पढ़ रहे हैं, एक दफे या दो दफे बस पढ़ के आगे मूव कर रहे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो दिमाग में सेट हो रहे हैं। अब इसके बाद क्या करना है, सेम पैटर्न आपको दोहराना है एक्सरसाइज 3 के लिए। आप जानते हैं हमारी एक्सरसाइज 3 कंपटीशन की एक्सरसाइज है जिसमें ITJEE और JEE मेंस, जो कि प्रीवियसली AIEEE कहलाता था, उसके 15-20 साल के सवाल दिए हुए हैं। सेम पैटर्न आप एक्सरसाइज 3 के लिए दोहराएंगे और डिटेल में दोहराएंगे। एक बात ध्यान कर लेना, एक बड़ी खास बात है, फिर कभी इस पर डिटेल लेक्चर दूंगा कि हर चैप्टर में कुछ बेहतरीन और सर्टेन टॉपिक्स हैं, IIT एडवांस का पेपर वहीं से आता है, ये बड़ी खास बात है। तो जब आप 15 साल के सवालों को बार बार करेंगे और फिर जो चीज भूली हुई होगी उसको शॉर्ट नोट के तौर पर लिखेंगे, तो आप घूम फिर कर देखेंगे कि
आपको आपके आसपास एक आईआईटी जेई के क्वेश्चंस का ऑरा सा बन जाएगा और स्ट्रांग रिवीजन आपका हो चुका होगा विद इन 2 मंथ्स, एंड यू विल फील कि आपको आईआईटी जेई एडवांस या आगे जाकर अभी मेंस आगे जाकर एडवांस का पेपर जब आप देंगे तो आपको ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि ये कुछ क्वेश्चंस कुछ मेरे लिए नए हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को आपने बहुत दफे रिवाइज किया हो। तो फाइनली ये एक मेरी टेस्टेड और विनिंग स्ट्रेटजी है, जहां पर आप मेजर पॉइंट्स की ब्रशिंग एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से कर लेते हैं और शॉर्ट नोट्स बन के तैयार हो जाते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ी केमिस्ट्री भी पढ़ा दूं इसी के साथ। आपको याद है जब मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताई थी, द मोस्ट फैसिनेटिंग रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिकली हाईली फेवरेबल रिएक्शन, खासकर एल्काइल हैलाइड से रिलेटेड। वी हैव गॉट टू पाथ ट्रेडिशनल पाथवेज एज SN1 एंड SN2। इसके और कई बाइफर्केशंस हैं। तो वहां पर एक पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था कि दैट एराइल हैलाइड्स डज नॉट गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ना SN1 होती है ना SN2 होती है। मैंने वहां आपको बताया था कि इसके तीन चार रीजंस हैं। वन ऑफ द मेजर रीजन इज द दैट एराइल हैलाइड्स आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल्स, तो कंपैरेटिवली स्टेबल मॉलिक्यूल है। मोर करेक्टली अगर हम कहें तो ड्यू टू रेजोनेंस द कार्बन हेलोजन बॉन्ड हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड इज शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर, एंड इट हैज बीन सीन दैट इट इज नॉट क्लीव्ड बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स द मेजर रीजन। और भी है हमारे पास, SN1 की नजर से देखें तो कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल होते हैं, और SN2 की नजर से देखें तो बेंजीन रिंग है, बैक साइड अटैक्स कंपेरेटिवली स्टेरिकली हिंडर्ड है, और इसके अलावा डायपोल मोमेंट और जो है प्लस आर और माइनस आई ये अपोजिट डायरेक्शंस में, दैट ऑल्सो हैज सब कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द लो रिएक्टिविटी। तो नॉर्मल कंडीशंस में ये रिएक्शन नहीं देते, लेकिन फिर आगे जाकर जब मैंने आपको एराइल हैलाइड्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताया तो मैंने आपसे कहा कि नॉर्मली ये रिएक्शन नहीं देते, बट स्पेशल कंडीशंस में दे यूज टू गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक तो डाउस प्रोसेस है, दूसरा व्हेन वी हैव गॉट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, देन एराइल हैलाइड्स यूज टू गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन बेंजाइन मैकेनिज्म के कुछ क्वेश्चंस हैं, एनिलीन विद लिक्विड अमोनिया एंड ऑफ कोर्स सोडामाइड, एंड देन वॉन रिच्टर रिएक्शन, और भी हैं एक आध दो केस, बट रेयर केसेस हैं ये जो मैंने बोला। इसमें जो दूसरा केस मैंने बोला था ये हमारे सिलेबस में है, अपार्ट फ्रॉम द डाउस प्रोसेस, दैट इज कि अगर एराइल हैलाइड्स के ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं देन दे यूज टू गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये एक अच्छा पॉइंट है, बेहतरीन पॉइंट है। नॉर्मली जो 12th क्लास का बच्चा है जिसने कोई प्रिपरेशन नहीं करी, सिंपली बोर्ड की प्रिपरेशन की है, उसको ये पॉइंट नहीं पता। हालांकि क्लास के अंदर इसकी पूरी डिटेल पढ़ाई गई है कि ऐसा क्यों हो जाता है। वी हैव गॉट अ ब्यूटिफुल मैकेनिज्म लाइक लाइक द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, द करेक्टरिस्टिक मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड उससे मैच करती हुई है, हैविंग द वेरी फेमस इंटरमीडिएट एज मेसेनहाइमर कॉम्प्लेक्स। तो वहां आपको रीजन भी बताया गया है, वहीं पर मैंने आपको यह भी समझाया था एक और बहुत बेहतरीन एस्पेक्ट, द लिविंग ग्रुप एबिलिटी, विच इज
रिवर्स टू द ट्रेडिशनल एस एन टू रिएक्शन, जिसको कई बार एलिमेंट इफेक्ट भी कहते हैं। खैर ये सब बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं जहां पर मैं इसके रीजंस बताता हूं और कुछ एक अच्छे पॉइंट्स और बताता हूं, बट मैं क्या कहना चाहता हूं कि इस रिएक्शन का केवल आपको अगर एक पॉइंट याद है, अब ये पूरी लंबी कहानी है, दो पेज की कहानी हो गई, जिसमें मैंने बताया मैकेनिज्म और डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अब अगर इसमें सिर्फ मुझे एक पॉइंट याद है कि स्पेशल कंडीशंस में एराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देते हैं, और वो पॉइंट है कि इफ दे पजेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, तो ये वो बेहतरीन पॉइंट है जिसको मैंने शॉर्ट नोट्स के तौर पर लिख लिया। इसकी पूरी कहानी, पूरी जन्म कुंडली दो पेज के तौर पर मेरे नोट्स में थी, मैं उस पर गया ही नहीं, मैंने सिर्फ इस पॉइंट को, एक पॉइंट को लिख लिया कि एराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देंगे अगर ऑर्थो पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है। तो माय डियर, तुम जानते हो, तुमने भी ट्वेल्थ पास किया है, जो ट्वेल्थ पास स्टूडेंट्स हैं, ये पॉइंट ट्वेल्थ पास स्टूडेंट को नहीं पता होता। तो अब आईआईटी में सवाल क्या आएगा, आईआईटी में सवाल आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। चार ऑप्शंस दिए होंगे। जिसको ये पॉइंट पता है कि एराइल हैलाइड्स के ऑर्थो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये बड़ी आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देगा, केवल इतना पॉइंट, और शॉर्ट नोट्स के तौर पर उसे याद है। अब उसकी पूरी जन्म कुंडली, क्यों, कैसे हुआ, क्या मैकेनिज्म थी और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या थे, स्लो स्टेप में कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा था, क्या कहानी, अगर उसको नहीं भी पता, केवल इतना सा पॉइंट पता है, तो आईआईटी में इतना ही पूछा जाएगा। ये अपने आप में एक अच्छा पॉइंट है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये अच्छा सवाल है जिसे नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन जिसने तैयारी की है वो कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस का नंबर आपका 60-70-75% रहता है। जो अच्छा सवाल होता है, जो नॉर्मली ट्वेल्थ पास बच्चे को या ट्वेल्थ अपीयरिंग बच्चे को नहीं पता, तो ये पॉइंट आपने शॉर्ट नोट्स के तौर पर लिख लिया। इसकी पूरी थ्योरी डेढ़ दो पेज की थी, उससे कोई लेना देना नहीं। हां, जो बचा हुआ पार्ट रह गया 25-30% जो आईटी एडवांस में आएगा, उसमें ऑफ कोर्स इसकी मैकेनिज्म और अंदर से सवाल पूछा जाएगा, बट पहले हम अपनी मिनिमम प्रिपरेशन तो पूरी कर ले जिससे हमारा सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाए। फिर मैं मना तो करता ही नहीं, पढ़ाई इतना सारा गया था डिटेल में, ये पढ़ाई इसीलिए गया था कि ये आप उसको 100% कवर करें। तो ये मैंने एक एग्जांपल देकर आपको समझाया। तो फाइनली रैंडम रिवीजन, शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं, मेजर पॉइंट को पकड़ते जाएं, जल्द से जल्द उसे कवर कर लें, पहले एक्सरसाइज वन निशान लगाते जाएं, और जैसी एक्सरसाइज वन खत्म होगी आपके सारे सिलेबस का रिवीजन हो चुका होगा और आप सारे मेजर पॉइंट्स को शॉर्ट नोट्स के तौर पर लिख चुके होंगे, उन्हें आप रेगुलरली पढ़ ही रहे होंगे, और उसके बाद आप एक्सरसाइज थ्री पर आ जाएं, और उसके बाद आप चाहें तो फिर डिटेल्स में जा सकते हैं, आप उनकी मैकेनिज्म और डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं। बट यहाँ पर आपने एक काम पक्का कर लिया कि मेरा, अगर मैंने इतना कराया तो ना केवल जेई मेन्स बल्कि जेई एडवांस में अपना सिलेक्शन पक्का कर लूँगा। बाकी जहां तक रैंक की बात है, बेहतरीन रैंक के साथ, तो उसके लिए तो बच्चों तुम्हें डिटेल में एक एक चीज पढ़ाई गई है, मिनिमम कवर करो, देन थोड़ा सा और बढ़ो, बट पिछला रिवाइज करते रहो लगातार, ये कवर हो जाए फिर थोड़ा बढ़ो, फिर थोड़ा बढ़ो, लेकिन कभी भी अपना स्ट्रांग पॉइंट अपने हाथ से मत छोड़ो। पता चला इतना कवर करने के चक्कर में हम पिछला पूरा गंवा देते हैं, और हर साल सेवरल स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं अच्छी खासी एबिलिटी होने के बावजूद उनकी प्लानिंग नहीं होती और फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाते। चलिए, तो आज मैंने आपको कई सारे मोटिवेशनल चीजें बताई, कई सारी एस्पेक्ट्स आपको बताए जो कि मैं अपने दो डेकेड्स के एक्सपीरियंस से देख रहा हूं, विद द एविडेंसेस बताए कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और फाइनली आपको एक विनिंग
रिवीजन स्ट्रेटजी मैंने बताई, अगर आप मेरी बात को ढंग से फॉलो कर गए तो आई एम 100% श्योर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो आईटी जेई मेंस हो या एडवांस हो या फाइनली मेडिकल का कंपटीशन। ओके बच्चों, थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा फॉर आईटी जेई एंड मेडिकल। थैंक यू।